وعلى آل رسول الله وعلى أصحاب رسول الله وعلى أحباب رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد وصلاة کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارا آج کی جمعۃ المبارک کی خطاب کا موضوع ہے حقوق الاوقات The rights of time. آج کے خطاب میں ہم کو یہ جاننا ہے کہ ہمارے وقت کے اور ٹائم کے ہم پہ کیا حقوق اور کیا رائٹس ہیں اور ان حقوق اور رائٹس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے اور کس طرح انجام دینا چاہیے. اللہ تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدره اور انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہ کی جیسے کہ اس کا حق ہے بعض علماء نے اس آیت کا اور آیت کے اس ٹکڑے کا معنی یہ کیا کہ ما عبد اللہ حق عبادتی ہی کہ انہوں نے اللہ تعالی کی ایسی عبادت نہ کی جیسی عبادت کہ اللہ کا حق ہے. اور بعض نے یہ معنی کیا کہ ما عرف اللہ حق معرفته کہ انہوں نے اللہ کو ایسا نہ پہچانا جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا حق ہے. دو طرح کے لوگ ہوئے, بعض وہ ہوئے جنہوں نے اللہ تعالی کی ایسی قدر کی جیسا کہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کی ایسی عبادت کی جیسے کہ عبادت کا حق ہے اور اللہ کو ایسا پہچانا جیسے کہ اللہ تعالی کو پہچاننے کا حق ہے اور اللہ کی ایسی تعظیم کی اور رسپیکٹ کی جیسے کہ اللہ تعالی کی تعظیم کا حق ہے. اور بعض نہ تو اللہ کو ویسے پہچان سکے
न वैसी इबादत कर सके, न वैसी कदर कर सके और न वैसी ताजीम कर सके जैसे कि अल्लाह का हक है। जिन लोगों ने वक्त को उसका हक दिया, टाइम को उसका राइट दिया, तो उन्होंने अल्लाह को पहचाना भी, अल्लाह की कदर भी की, इबादत भी की और अल्लाह का अदब भी किया। लेकिन जिन लोगों ने टाइम के राइट्स को पूरा न किया और अदा न किया, वो ना अल्लाह को पहचान सके न उसकी कदर कर सके। और सूफिया ने लिखा, इन्न लिकुल वक्तिन हक्कुन व इन्ना लिकुल वक्तिन लहू हक, कि हर वक्त का और हर टाइम का एक हक है और उसका एक राइट है। कामयाब हैं वो लोग जिन्होंने हर वक्त को उसका हक दिया और हर वक्त का हक अदा किया। और नाकाम हैं वो लोग, नुकसान में हैं और खसारे में हैं और जिल्लत और रुसवाई में हैं, जो वक्त के हुकूक और राइट्स को अंजाम न दे सके और उसको अदा न कर सके। सैयदना शेख अबुल अब्बास नवरल्लाहु मरकदहु ने फरमाया कि औकातुल अब्द अरबातुन, इंसान के चार तरह के औकात हैं। नेमतुन औ बलियतुन, ताअतुन औ मासियतुन। नंबर एक, वो वक्त जिसमें इंसान नेमत में होता है, सुकून में होता है, चैन में होता है और इत्मीनान से होता है। नंबर दो, बलियतुन, वो वक्त कि जिसमें इंसान किसी तकलीफ में होता है, किसी मुश्किल में और डिफिकल्टी में होता है, किसी प्रॉब्लम में होता है और किसी आजमाइश में होता है। नंबर तीन, ताअतुन, वो वक्त जिसमें इंसान अल्लाह की इताअत में और ओबीडियंस में होता है, उसके रसूल की इताअत में होता है। और नंबर चार, मासियतुन, वो वक्त जिसमें इंसान कोई न कोई गुनाह कर रहा होता है और किसी न किसी गुनाह में होता है। अब इंसान या तो खुश होगा या फिर गमगीन होगा, या फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और ओबीडियंस में होगा या फिर नाफरमानी में होगा। ये चार हाल हैं हर इंसान के। सैयदना शेख अबुल अब्बास ने फरमाया कि इनमें से हर एक वक्त का एक हक है और हर टाइम का एक राइट है।
जब इंसान नेमत में हो, राहत में हो, सुकून में हो, इत्मीनान में हो, उसे अल्लाह ताला की रहमत मिल रही हो, तो उस वक्त का हक यह है कि इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे। सो जिसमें राहत और सुकून में अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसने उस वक्त का हक अदा किया। और जब इंसान किसी प्रॉब्लम में हो, डिफिकल्टी में हो, किसी मुश्किल में हो, तकलीफ में हो, तो उस वक्त का भी एक हक है, और वो हक है सब्र करना। सो जिस इंसान में मुश्किल में, तकलीफ में, बीमारी में और आजमाइश में सब्र किया, उसने उस वक्त को उसका हक दे दिया। और जब उससे कोई नेक काम हो रहा हो, ख्वाह वो किसी भी शक्ल और सूरत में हो, तो उस वक्त का हक यह है कि इंसान ये जाने कि ये नेक काम जो मैं अंजाम दे रहा हूं, ये महज अल्लाह का एहसान है और उसकी तौफीक है। इंसान ये न समझे कि उसने खुद से ये नेकियां की और ये अच्छे काम किए, बल्कि उसको जानना चाहिए कि ये अल्लाह की तौफीक है और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे नेक कामों की तौफीक दी। सो जिसने ऐसा किया, उसने उस वक्त का हक अदा किया। और जब इंसान गुनाह कर रहा हो, उससे गुनाह हो रहा हो, तो उस वक्त का हक यह है कि इंसान फौरन गुनाह से पलट आए और अल्लाह ताला से माफी मांगे, उससे बख्शिश तलब करे। सो जिसने ऐसा किया, गुनाह हुआ होता है इंसान से, वो फौरन गुनाह से पलटा और उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अपने गुनाह की बख्शिश चाही और मगफरत चाही। सो जिसने ऐसा किया, उसने उस वक्त का हक अदा किया। और शेख अबुल अब्बास रहिमहुल्लाह की इस फिक्र का जो बुनियादी माखज है और बेसिक सोर्स है, वो हदीस पाक है। ये जो फिक्र उन्होंने आखज की, वो हदीस पाक से की। हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन उतिया फशकर, जिसे नेमत दी गई, जिसे सुकून दिया गया, सो उसने शुक्र किया। वमनिब तो लिया फसबर, जो किसी तकलीफ में, किसी बीमारी में, किसी आजमाइश में और किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हुआ, फसबर, उसने सबर किया। वमन जुल्म फगफिर फगफर, और जिस पे किसी ने जुल्म किया, उसने जुल्म करने वाले को माफ किया। व अज़नबा फस्तगफर, और उससे गुनाह हुआ और उसने अल्लाह की बारगाह में अपने उस गुनाह की बख्शिश चाही, माफी चाही। सुम्मा सकत अलैहिस्सलाम, हुजूर सलाम इस गुफ्तगू के बाद खामोश हो गए। और जब खामोश हुए, कालू मा लहू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जिसने नेमत पे शुक्र किया, तकलीफ पे सबर किया, जालिम को बख्श दिया, गुनाह की माफी चाही, ऐसे शख्स का इनाम क्या होगा, उसका सवाब क्या होगा? हुजूर सलाम ने फरमाया, उलाइका लहुमुल अमन वहुम मुहतदून, ऐसे खुशनसीब लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में अमन होगा, अमान होगा। और फरमाया, ये दुनिया में भी हिदायत याफ्ता हैं और गाइडेड हैं, और आखिरत में भी हिदायत याफ्ता होंगे। दुनिया में हिदायत है हक पे चलना, और आखिरत की हिदायत है अल्लाह का दीदार करना। सो जिन लोगों ने टाइम को उसके राइट्स दिए और औकात को उसके हुकूक दिए, तो इस दुनिया में सीधी राह पे चलेंगे और कल कयामत के दिन उनको मौला का दीदार नसीब होगा। और हमारे जितने भी औलिया हुए, सूफिया हुए, उन्होंने हमेशा उम्मत को और इंसानियत को यही दर्स दिया, यही सबक पढ़ाया कि लोगों, वक्त से गाफिल न होना और वक्त के हुकूक से गाफिल न होना, हमेशा वक्त को उसका हक दो और हमेशा वो काम करो जिन कामों से वक्त का हक पूरा हो। और टाइम का जो राइट है, वक्त के जो हुकूक और राइट्स हैं, वो अपने तकमील तक पहुंचे। सैयदना अबुल हसन जो अल्लाह के औलिया में से है, नवर अल्लाह मरकदहू, ने फरमाया कि अल्लाह ताला से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि इंसान अपने वक्त को उसका हक दे दे। जिसने वक्त को उसका हक दिया और अपने वक्त को जाया न किया, उसने अल्लाह से भी मोहब्बत की और अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत की। और अल्लाह के औलिया में से एक वली हैं, उन्होंने फरमाया कि मुंज़ 20 सनतन मा खतरा अला कल्बी सिवल्ला, कहा लोगों 20 साल हो गए कि 20 साल में मेरे दिल में अल्लाह के सिवा किसी और का ख्याल ना आया। तो खुशनसीब हैं वो लोग जिनके दिल में उनके रब का ख्याल हो, उनके नबी का ख्याल हो, उनके दीन और मजहब का ख्याल हो और दीन और मजहब की तालीमात का ख्याल हो। ऐसे लोग वक्त को उसके हुकूक देने वाले हैं और ऐसे लोग कामयाब लोगों में हैं। सैयदना इमाम हसन बसरी नवर अल्लाह मरकदहू फरमाते हैं कि हम उस दौर में हैं और उस दौर से गुजर रहे हैं कि जिस दौर में लोग अपने माल और दौलत की इतनी हिफाजत और प्रोटेक्शन नहीं करते जितनी हिफाजत के वो वक्त की करते। आज हमारा हाल ये हो गया कि हम हर चीज की हिफाजत करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज को, चाहे वो माल हो या दौलत हो या हमारी इज्जत और शोहरत हो, लेकिन अगर एक चीज की हिफाजत से हम गाफिल हैं, उसके प्रोटेक्शन से गाफिल हैं, तो वो टाइम और वक्त है। आज हमारा वक्त जाया हो रहा है और बेकार जा रहा है, और हमने वक्त की हिफाजत का ख्याल और टाइम के प्रोटेक्शन का ख्याल ही छोड़ दिया है। हम भूल गए कि वक्त भी कोई
नेमत है और वक्त भी अल्लाह ताला का एक अजीम एहसान है जो हमें दिया। लोगों, अगर वक्त की हिफाजत न कर सके तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे और खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे। सैयदना सुन्नून मिस्री नबर अल्लाह मकदहु अल्लाह के कामिल औलिया में से हुए, उनके पास एक शख्स आया और कहा कि मैं एक मकान लेना चाहता हूं, एक मकान लेना चाहता हूं। आपने फरमाया, क्या तू वो मकान लेना चाहता है और वो प्लेस लेना चाहता है जो फना हो जाए, खत्म हो जाए, चंद दिनों के बाद तू दुनिया से, चंद दिन रहा उस मकान में और चंद दिन के बाद तू गुजर चला, फिर एक दौर वो आएगा कि उसमें वो मकान खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, तू वो मकान क्यों नहीं लेता जो कभी खत्म ना हो, जो कभी न मिटे, जो कभी फना ना हो, जो हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। और फरमाया कि उस मकान में फिर चार हुदूद हैं, एक मनाजिलुल खाइफीन, अल्लाह से डरने वालों का मुकाम, नंबर दो मनाजिलुल आरिफीन, अल्लाह को पहचानने वालों का मुकाम, नंबर तीन मनाजिलुल मुश्ताकीन, जो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के दीदार के मुश्ताक हैं उनका मुकाम, और नंबर चार मनाजिलुल मुहिब्बीन, अल्लाह पाक से और उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों का मुकाम। फरमाया वहां ये चारों मनाजिल होंगे। उन्होंने फरमाया, हजरत चाहता हूं कि मैं वो मकान ले लूं और वो प्लेस ले लूं जो कभी खत्म न हो और कभी न मिटे, वो मकान भी हमेशा हो और मैं भी हमेशा उसमें रहूं। आपने फरमाया फिर घर अपना जन्नत में बना ले, घर बनाना है, मकान बनाना है तो फिर जन्नत में बना ले। ثم تصدق بماله, फिर उस शख्स ने, आने वाले ने अपना माल अल्लाह की राह में सदका किया, وخرج معه الى الله, और वो ज़ुल्लून मिस्री के साथ निकले अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए। तो लोगों, जो शख्स वक्त को उसका हक देगा और औकात को उसके राइट्स देगा तो जन्नत में वो ये चारों मुकामात पाएगा, उसे मनाजिरुल खाइफीन भी नसीब होगा जो अल्लाह से डरने वालों का मुकाम है, उसे मनाजिरुल आरिफीन भी नसीब होगा जो अल्लाह के पहचानने वालों का मुकाम है, उसे मनाजिरुल मुश्ताकीन भी नसीब होगा जो अल्लाह के दीदार और उसके रसूल के दीदार के मुश्ताक और तालिबीन का मुकाम है, और उसे मनाजिलुल मुहिब्बीन भी नसीब होगा जो जन्नत में अहले मोहब्बत का मुकाम है और अहले अकीदत का मुकाम है। दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी, आपको वक्त दिया, खुदारा वक्त को कभी जाया न करें। दीन का काम करना हो, दुनिया का करना हो, आप चाहे दीन का करें चाहे दुनिया का करें, लेकिन वक्त कभी जाया न करें, इसलिए कि जो वक्त एक मर्तबा गुजरा न फिर वो कभी पलटा और न कभी वो पलट सकता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वक्त के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हर वक्त में उस काम को करने की तौफीक अता फरमाए जो उस वक्त का हक है, और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के तुफैल हमारे औकात में और हमारे